Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Comedy Wallahs. Mumbai ka King Kong! Namaskaram and welcome to Bollywood Icons. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मोनिका महालिंगम. आज हमारे स्टूडियो में एक ब्यूटीफुल लेडी आने वाली है, लेकिन उसका स्पेशलिटी ये है कि वो इतना बात करती है कि यूके सबको बोर कर देती है. बट स्टिल शी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लेडी ऑल्सो. थाली से स्वागत किया जाए वासंती फ्रॉम शोले. यूके चल धनो पलट सवा. अरे यू वेयर आर यू गोइंग, सिट डाउन. अभी तो तुम आई, किधर भाग रही हो? यूके देखो मैडम, आप जहां भी जाना है जल्दी बताओ. रामगढ़ का 15 रुपया और श्यामगढ़ का 20 रुपया. इट इज वेरी एक्सपेंसिव यार. एक्सपेंसिव यूके? आजकल तो मैडम रिक्शा वाले भी 18 रुपए लेते हैं. मैं तो फिर भी आपको अपने टांगे पे लेके जा रही हूँ. ये बात तो तुमने एकदम सही बोली. वैसे मैडम आपको जाना कहाँ है? अरे मुझे तो जाना है गोरेगांव में. गोरेगांव? यूके गोरेगांव अगर रामगढ़ के बाद में आता है तो आपसे पूरे 20 रुपया लूंगी, और अगर पहले आता है तो 12 में छोड़ दूंगी. देखो गोरेगांव जो है ये अंधेरे के बाद आता है. वैसे जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे वासंती वासंती कहकर बुला रही हो, जबकि तुमने अब तक मेरा नाम भी नहीं पूछा. नहीं पूछा तो नहीं सही. तुम्हारा नाम क्या है वासंती? मेरा नाम है बसंती. ओ तो तुम्हारा नाम है बसंती, मुझे मालूम ही नहीं था. यूं के ये नाम मुझे मेरे मामा के चाचा के भाई के भतीजे के साले के बेटे ने दिया था. तुम कितना प्यारी बातें करती हो बसंती. प्यारी का तो पता नहीं, लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारी बातें करती हूँ. अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कभी भी स्कूल के बाहर ऐसा टीचर ने कड़ा नहीं किया बहुत सारा बात करने के लिए, पनिशमेंट के लिए? यूं के ये तुम्हें कैसे पता? मुझे ऐसे ही पता, मैंने गेस मार दिया. वाह क्या गेस किया है. अरे कभी कभी नहीं, मुझे तो टीचर रोज रोज क्लास के बाहर खड़ा कर देती थी, इतना कि मुझे सब लोग आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बुलाने लगे थे. वैसे तुम आउटस्टैंडिंग तो बहुत ही हो बसंती. एक बात बताओ, ये वीरू मतलब टैंकी के ऊपर क्यों चढ़ गया था? यूं के ये सवाल तुमने अच्छा पूछा. अब तुम ही बताओ कि कोई पानी की टैंकी पर क्यों चढ़ेगा? क्यों चढ़ेगा? क्योंकि उस दिन वॉचमैन नहीं आया था. अब पानी किसी ना किसी को तो टैंकी में चढ़ा रहा, तो वीरू चढ़ गया. ओ, ये बात है. मीन तो मुझे आपसे ये पूछने का था कि ये आपके जो रहीम चाचा ये कैसे हैं? रहीम चाचा? ओ रहीम चाचा. रहीम चाचा तो बहुत अच्छे हैं, पर आजकल मुझसे थोड़ा नाराज है. क्यों? यूं के हुआ ये था कि मैंने सोचा रहीम चाचा को नजर नहीं आता तो उनको सड़क पार करा देती हूँ. उनको सड़क पार कराई तो ऐसा भड़के कि पूछो मत. बाद में पता चला कि रहीम चाचा को सड़क पार करनी ही नहीं. अयो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया. एक बात है, मैं हमेशा ऑब्जर्व किया कि ये जो गब्बर के आदमी थे तुम्हारा पीछे पड़े थे, तभी तुमने कुछ तो बोला था. हाँ मैंने कहा था, धनो भाग, आज तेरी बसंती की इज्जत तेरे हाथ में है. हाथ में कैसा, वो तो घोड़ा है, उसका चार पैर रहता है. हाउ इज इट दैट पॉसिबल? और वो धनो ने क्या कहा तुमसे? धनो ने कहा, अरे वो क्या कहेगी, वो बेचारी तो खुद खतरे में थी, इतने घोड़े उसके पीछे पड़े थे, उसकी भी तो इज्जत का सवाल था. ये वीरू ने जो मतलब प्रपोजल दिया था मासी को, वो रिजेक्ट हो गया कैसे, क्यों? क्या? क्योंकि वीरू ने मासी को भी प्रपोज किया था? कमीना, कम से कम मौसी की उम्र का तो ख्याल करता. तुम्हें नाचना बहुत पसंद है, तुम्हारा फेवरेट टीचर गुरु कौन है? यूके उनका नाम है देवों के देव, प्रभु देव. मैं तो रोज रोज उनसे प्रार्थना किया करती थी, प्रभु संसार में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुमसे छुपी हो, तुम तो सब जानते हो. देखो देखो मैं जाती हूँ, कि तुमसे कोई बात नहीं छुपी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है.
देखो आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो देखो जरा देखो, ये हाथ घोड़े की लगाम खींचते खींचते कैसे खूर जैसे हो गए हैं। अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात बताओ कि प्रभु बसंती रानी बनकर जिए, क्योंकि मजा आ जाए जिंदगी का। आगे बस जैसी तुम्हारी मर्जी प्रभु। तो प्रभु ने तुमको क्या बोला? यूं के प्रभु ने तो कुछ भी नहीं कहा, बस सर पकड़कर वहां से निकल गए। बाद में पता चला कि वो सर पकड़ने को उन्होंने एक डांस स्टेप बना लिया। अच्छा ब्रिलियंट डा। अच्छा एक बात बताओ, ये कांच के ऊपर डांस करके तुमको पेन नहीं होता है? पेन का तो पता नहीं, पर हाँ दर्द बहुत हुआ था। यूं के वो तो ठीक है, पर देखो कितना बेवकूफ है, सारी की सारी बोतलें तोड़ दी। अगर जमा करता तो एक एक बोतल पे दो दो रुपए मिलते, सोचो कितना फायदा होता। बिजनेस नाम की तो सेंस नहीं है। वेरी राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन आई आस्क नाउ बसंती? अच्छा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने का था कि तुमको डांसिंग का इतना शौक है, तो तुम रामगढ़ के अलावा किधर और डांस किया? अरे मैं क्लासिकल डांसर हूँ, बहुत सारा डांस किया, बहुत सारे शोज भी किए हैं। अब बहुत ही स्टेमिना है मुझे, क्योंकि मैं पानी पीती हूँ तो बस रेंट प्यूरिफायर से, शुद्ध है सेफ है रेंट प्यूरिफायर। बसंती गब्बर की तरह मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हाँ तुम कौन सी चक्की का आटा खाती हो बसंती? गोल्ड कॉइन चक्की फ्रेश आटा, दाने दाने में रामगढ़ की। अच्छा क्या बात है, मैं भी उधर का ही आटा खाएगी अभी। अच्छा एक बात बताओ, ये वीर हो क्या अभी भी? शराब बिल्कुल नहीं, अब वो तो बस रेंट प्यूरिफायर से पानी पीता है, शुद्ध है सेफ है रेंट आटा। चलो मैडम टाइम अप। ओके ये कौन बोला? अरे हमारा शो का डायरेक्टर, वो क्या है ना टाइम ज़्यादा हो गया, तो हम लोग को ये शो इधर ही बंद करना पड़ेगा। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आप इतना अच्छा छोटा छोटा बातें भी किया। आपके लिए मैं गिफ्ट टेम्पर देना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। क्योंकि ज्यादा बेफजूल का बात करने का तो आदत हमको है। बिल्कुल सही, उसी बात के लिए मैं आपको गिफ्ट टेम्पर दूंगी। ये क्या है? ये है शट अप क्लिप्स, ऑन पर्सनल डिमांड आपको दिया गया है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। जैसे कि आपने देखा हमारी बसंती जो इतना बोलती है, उसने कितना कुछ बोला, पूरा रामगढ़ का स्टोरी दे दिया। शी वॉज वेरी एंटरटेनिंग एज वेल एज इरिटेटिंग। सो अगले एपिसोड में मैं आपको किसी और बॉलीवुड आइकॉन से मिलाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय। मैं हूँ आपकी होस्ट मोनिका मालिंगम। चाचा अरे आप कल अरे इट इज वेरी एक्सपेंसिव यार। एक्सपेंसिव? अरे मैडम आजकल तो रिक्शा भी 15 रुपए 18 रुपए लेते ना। इतना की कई बार तो मुझे स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कह देते थे। तुम्हारा फेवरेट डांसर इंस्पिरेशन कौन है? अयो मेरा सबसे अयो सॉरी इसको हम निकाल सकते हैं जाने को। Hi, this is Kapil Sharma. How are you? कॉमेडी के असली रंग का मजा लीजिए, तो देखते रहिए कॉमेडी वालास, कॉमेडी का परमानेंट अड्डा। तो सब्सक्राइब करें कॉमेडी वालास, जहां दिखेंगे हिलेरियस कॉमेडी शोज और मिलेंगे बहुत सारे कॉमेडियन।